हेलो फ्रेंड्स, आ गया मैं एक और न्यू वीडियो के साथ। हियरिंग पुशिंग के एपिसोड नंबर 35 होने वाला है। तो न्यू अपडेट के बाद ना मेरे साथ एक चीज़ बहुत गलत हुआ भाई। मतलब ये नहीं होना चाहिए था जो कि हो चुका है। अभी क्या ही कर सकते हैं भाई। तो यहाँ पर देखोगे तो एक तो मैं 2 दिनों बाद आज गेम खेला था, कल गेम खेला था 2 दिनों बाद। तो यहाँ पर वो भी 2 ही गेम खेला, ज़्यादा नहीं खेला, देख सकते हो। अभी थोड़ा बिजी चल रहा हूँ यार, गेम खेल नहीं पा रहा हूँ। उतने में ये सीन हो गया भाई, ये चीज़ मेरे को काफ़ी गुस्सा आ रहा था देखने में। यहाँ पर रिप्ले में ना मेरा बहुत सारा वीडियो सेव था भाई, जो कि डिलीट हो चुका है अपडेट करने के बाद। यहाँ पर मैंने देखा तो बिल्कुल भी वीडियो नहीं था एक भी। तो ये चीज़ मेरे को अच्छा नहीं लगा भाई। एक तो मैं गेम खेल नहीं पा रहा हूँ, और सबको पता है अगर आप 2-3 दिनों बाद गेम खेलने आओगे तो आपका गेम प्ले अच्छा जाएगा नहीं, और अगर गेम प्ले अच्छा नहीं जाएगा तो फिर वीडियो भी नहीं बन पाएगा। तो ये सीन है। तो छोड़ो यार, अभी चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज का पहला मैच, इसमें मेरे अभी तक 4 किल हो चुके थे और मेरे को छोड़कर 6 बंदे इस टाइम पे और बच रहे थे यार। अब ये जो सोलो का गेम प्ले मैं आपको क्लिप करके दिखा रहा हूँ ना, ये वीडियो क्लिप वाला ही होने वाला है। तो ये ना थोड़ा पुराना वीडियो है, मतलब पुराना इसके रिकॉर्डिंग है। लगभग 10-15 हज़ार जब मेरा स्कोर था, जब मैं ग्रैंड मास्टर में था। अभी तो मैं मास्टर पे हूँ क्योंकि गेम नहीं खेल पा रहा हूँ, जिसके चलते मैं उतर चुका हूँ। तो ये गेम प्ले जब मैं ग्रैंड मास्टर में था, पता नहीं कितना स्कोर है यार। लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा कि मैं आखिर कितना स्कोर का ये वीडियो है, तो वो चीज़ आपको लास्ट में देखने को मिल ही जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे ना तो राइट साइड में बंदे थे भाई। यहाँ पर एक बंदा पत्थर के ही पीछे था, ऐसा मेरे को लग रहा था। लेकिन वो बंदा सामने जो वाल लगा था उस तरफ चला गया था, लेकिन अब वो अभी वो पत्थर की तरफ ही आ रहा है। मैंने देखा वो बंदा यहाँ पर आकर खड़ा हो चुका है, तो इसको पहले मारते भाई। ये क्या हुआ, मतलब स्कोप किया उसके बाद एकदम से रेड रेड दिखा भाई मेरे को। मतलब ऐसा बहुत कम ही बार होता है कि आप स्कोप खोलो और वल्ली रेड नंबर आए, मतलब ऐसा बहुत कम बार होता है यार। मतलब पता नहीं, ऐसे कई लोग ऐसे ही मारते हैं कि स्कोप खोले भी नहीं, मतलब फायर वो करते ही नहीं है। मैं कई लोगों का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। कई लोग ऐसे भी है जो वीडियो बना के डालते हैं, जो कि अच्छा खासा व्यूज आता है उनके में, अच्छा खासा सब्सक्राइबर है, तो उनका ना स्कोप खोले बिना मतलब फायर ही नहीं करते भाई। बिना स्कोप खोले फायर ही नहीं करते, स्कोप खोलेंगे डायरेक्ट हेडशॉट ही उनको पड़ेगा, एक भी बॉडी नहीं पड़ेगा। वो पता नहीं कैसे खेलते हैं यार, मतलब ऐसा कैसे कर लेते हैं। अब छोड़ो भाई, अभी देखोगे तो एक लास्ट का बंदा और बच्चा है, बस उसको उड़ा के अपने को बुइया लेना है। तो सामने की तरफ वो बंदा मेरे को दिख चुका है स्कैनर में, और ऐसे भी दिख रहा है यार, उतना भी मतलब बड़ा मैप नहीं बचा है इस टाइम पर, छोटा सा भी मैप हो गया है। तो ये बंदा मेरे पे नेड कर रहा था, जब मैंने नेड किया तो ये पीछे भागने लगा, तो फिर मैं इस पे रस करने लगा। यार मेरे पास अभी भी 1 नेट बचा हुआ है, तो ये 1 नेट मैं करूँगा सोच रहा था। मैं सही मतलब मौके का तलाश कर रहा था कि कब आखिर मैं ये वाला नेड फेंकू करके, लेकिन वो मेरे को मौका ही नहीं दे रहा था भाई नेड करने का, क्योंकि वो बंदा एक जगह पे टिकता ही नहीं था। तो अभी जब वो बंदा एक जगह पे टिका ना, तो यहाँ पर मैंने 1 नेट मार ही दिया, तो उसको अच्छा खासा मेरे नेड से डैमेज चला गया था। देन उसके बाद मैंने डायरेक्ट रस ही कर दिया, और यहाँ पर उस बंदे को काफ़ी आसानी से मैंने MP40 से उड़ा दिया था, और लास्ट में एक हेड लगा जिसके चलते मेरे को हेड शॉट के साथ किल मिल चुका था। तो अभी आपको देखने को मिलेगा कि जब मैं ये गेम रिकॉर्ड किया था उस टाइम पे मेरा स्कोर कितना था, और ग्रैंड मास्टर तो आपको दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पर देखोगे तो 10,500 मेरा स्कोर है भाई। तो इसी सीजन का ही गेम प्ले है, दूसरे सीजन का नहीं है, लेकिन थोड़ा पुराना है, मतलब 10,000 स्कोर में था तब का गेम प्ले है। तो बात करें हम इस वाले मैच की, तो इसमें अभी तक देखोगे तो मेरे 4 किल हो चुके हैं, और मेरे को छोड़कर बस 2 ही बंदे और बचे हैं यार। और उन दोनों बंदों का लोकेशन इस टाइम पर मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता है भाई, जबकि इतना छोटा सा जोन हो गया है यार। फिर भी मेरे को उन बंदों का लोकेशन लिटरली नहीं पता कि आखिर वो बंदा है तो है कहाँ दोनों बंदे। तो यहाँ पर मैं गाड़ी लेकर डायरेक्ट जोन में आ चुका था, और गाड़ी मैंने छोड़ दिया था इस टाइम पे देखोगे तो। तो मैं ऊपर के साइड चला जाता हूँ ताकि मेरे को बंदों का लोकेशन अच्छे से पता लग सके, मतलब एक परफेक्ट व्यू मिल सके। तो यहाँ पर मेरे को एक छोटा वाला घर में बंदा देखने को मिल गया है भाई। तो ये बंदा ना अभी भी जोन में नहीं है, मतलब जोन अभी श्रिंक होगा तो इसको बाहर आना पड़ेगा। वैसे तो मैं भी जोन में नहीं हूँ, मेरे को भी जोन में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं जोन में चला जाता हूँ क्योंकि मेरे को दिक्कत आने वाला है। जब वो बंदा मेरे पे फायर करने लगेगा तब मैं जोन में आना मेरे को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा।
क्योंकि मैं हाइट में हूँ, और जब आप हाइट से नीचे जाओगे ना तो थोड़ा पहले ही जोन में जाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब बंदे आप पे फायर करने लगेंगे ना भाई, तो जब आप वाल लगाओगे तो आपका वाल नीचे ही लगेगा, जिसके चलते आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगा। और एकदम ज़्यादा आराम से वाल लगाओगे बैठ के ना, तभी जाकर मतलब आपके वो आपका वाल जो है परफेक्ट लगेगा। लेकिन अगर पीछे से श्रिंक आ रहा होगा तब उतना ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि जोन का भी डैमेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया इन लोगों ने, काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है। तो एक जो लास्ट का बंदा बचा था, इस पर मैं काफ़ी देर से एम ले रहा था भाई हेड मारूंगा करके, और जब वो बंदा मेरे को पी के दिया तो उसको मैंने हेड ही मार दिया डायरेक्ट M40 से। तो इसी के साथ इस वाले मैच में भी हमको मिल चुका था भुया, वो भी 6 किल के साथ। तो अभी देखते हैं अपने को प्लस कितना मिल पाता है इसमें। तो इस वाले मैच में अपने को 28 का प्लस मिला था। तो बात करें हम इस वाले मैच की, तो इसमें देखोगे तो अभी तक मेरे 7 किल हो चुके हैं, और मैं गाड़ी लेकर घूम रहा हूँ, तभी मेरे को एक बंदा दिखाई था नीचे के साइड पे, तो मैं गाड़ी से उतरा, देन उस पर फायर कर दिया, बंदा ख़त्म हो चुका था। क्योंकि M40 का काफ़ी ज़्यादा डैमेज रहता है भाई, और रेट ऑफ फायर तो रहता ही रहता है। तो इसी के साथ इस टाइम पर मेरे टोटल देखोगे तो 8 किल हो चुके हैं, और मेरे को छोड़कर बस 2 ही बंदे और बच्चे यार। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्कैनर था, तो 1 स्कैनर 2 स्कैनर मैंने लगा दिया था ताकि बंदों का लोकेशन मेरे को इजीली पता लग सके। अब मैं इस टाइम पे क्या सोच रहा था पता है, नीचे वाला बंदा तो अभी थोड़ी देर आने से रहा, मैं सोच रहा था ये जो अकेला इधर ओपन में बंदा है उसको सबसे पहले मारूँ करके। तो ये बंदा ना पत्थर के साइड पर, ऐसा मेरे को लग रहा है भाई। तो 1 स्कैनर इसका लोकेशन जानने के लिए मैंने एक और स्कैनर लगा दिया जो नीचे में बंदा था, कहीं ऐसा ना वो पीछे से आकर मेरे को मार दे। तो यहाँ पर मैं इस पे एम लेने वाला था इस टाइम पे, वो बंदा मेरे को दिख ही नहीं रहा था यार, पीक ही नहीं दे रहा था, पता नहीं किधर है। तो फाइनली यार जब वो बंदा बाहर निकल के मेरे पे फायर करने लगा, तब उसको मैंने उड़ा दिया था काफ़ी आसानी से। मतलब वो बंदा निकल ही नहीं रहा था भाई, जब उसने मेरे को देखा तभी वो बंदा शायद फायर करने के लिए निकला मेरे पे, तो उसको तो मैंने उड़ा दिया था। अभी जो एक लास्ट का बंदा बचा है उसका मेरे को लोकेशन, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाने के लिए मैंने फिर से एक स्कैनर लगा दिया था, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्कैनर है यार। अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैं कितना सारा स्कैनर रखा हुआ था भाई, और एकदम परफेक्ट यूज़ किया हूँ मैं स्कैनर का। तो स्कैनर ना काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ है, मतलब बंदों का लोकेशन आपको पता लगता रहेगा कि आखिर बंदा है तो है कहाँ। इसलिए मैं हिट लिस्ट के बजाय, जब भी मैं सोलो खेलता हूँ ना, तो हिट लिस्ट लेने के बजाय मैं हमेशा स्कैनर लेता हूँ जब मैं सोलो खेल रहा था उस टाइम पे। तो और अभी तो मैंने सोलो खेलना बंद कर दिया इस सीज़न, अब पता नहीं मैं रीजन पे सोलो विंस पे चल रहा हूँ या नहीं, मैंने कभी चेक नहीं किया जब सोलो खेल रहा था उस टाइम पे चेक करता था, लेकिन अभी चेक नहीं कर रहा हूँ। पता नहीं कितने नंबर पे चल रहा हूँ या फिर उतर चुका हूँ रीजन से सोलो विंस पे, वो मेरे को नहीं पता। अब मैं रियल बात आपको बताऊँ ना कि मैं सोलो खेलना क्यों बंद किया, क्योंकि मैं देखो ज़्यादा गेम नहीं खेल पा रहा हूँ अभी के टाइम पे, थोड़ा इधर उधर कामों में बिजी हूँ। तो एक तो मैं सोलो खेलूँगा तो फिर मेरे को पूरा प्लस भी नहीं मिलेगा, जिसके चलते मैं एक ये सबसे बड़ा कारण है कि मैं सोलो खेलना बंद कर दिया, क्योंकि सोलो में आप हर मैच में पूरा प्लस ले नहीं पाओगे। और मैं कम गेम खेलता था तो मेरे को अच्छा खासा हर गेम में प्लस चाहिए था, जितना भी गेम खेल रहा हूँ उसमें अच्छा खासा प्लस चाहिए था पूरा, जो कि स्क्वाड खेलने पर ही मिलेगा। तो इसीलिए मैं सोलो खेलना बंद कर दिया। एक तो वो ग्लिच वाले पता नहीं आके मतलब दिमाग ख़राब कर रहे थे, जो कोई मतलब का नहीं हो रहा था मेरा सोलो खेलना। और एक तो मैं अपनी आईडी से अकेला खेलता हूँ तब और दिक्कत होता है, तो जिसके चलते मैं सोलो खेलना बंद कर दिया और स्क्वाड खेलने लगा दोस्तों के साथ। आराम से मस्ती कर करके खेलने में मज़ा आता है भाई, और दोस्तों के साथ मस्ती करने में अलग ही मज़ा है। तो अब छोड़ो यार, जो भी है क्या ही कर सकते हैं। तो बात करें हम इस वाले मैच की, तो इसमें देखोगे तो अभी तक मेरे 10 किल हो चुके हैं भाई, और मेरे को छोड़कर बस 2 ही बंदे और बचे। अब ये जो लड़का या फिर लड़की दिख रही थी मेरे को, जहाँ तक मेरे को लग रहा है, ये मेरे पे रस ही कर रही थी भाई। मेरे को लगा उस टाइम पर इसने मेरे को वाल से पेक कर दिया, लेकिन वाल से मैं मतलब पेक नहीं हुआ था। तो यहाँ पर मेरे पास वाल देखो भाई, कितना ज़्यादा वाल है एक जगह पर, 3 दिन वाल लगा दिया मैंने। तो इस लड़की को मारना मेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि ये मेरे को जीने नहीं देगी यार, मतलब रस पे रस किए जा रही है भाई। तो इसको तो मैंने जैसे तैसे करके उड़ा दिया था। अभी जो एक लास्ट का बंदा और बचा था वो भी मेरे को जस्ट सामने में दिख गया था, ये भी मेरे पे डायरेक्ट रस ही कर रहा था भाई ये बंदा। तो यहाँ पर इसने मेरे को इस पे फ्लैश बैंग मारा सबसे पहले, तो जो कि मेरे बहुत पीछे जाके गिरा। अब यहाँ पर मैंने एक नेड किया तो बंदे ने लगा लिया वाल,
अब मैंने ऐसे ही वन नेड कर रहे थे यार, क्योंकि शॉर्ट रेंज में कभी भी आप कुक करके नेड मत करो। अगर आप शॉर्ट रेंज में बंदे पे कुक करके नेड मारोगे ना, तो वो बंदा आप पे रस कर देगा और काफ़ी आसानी से आपको मार भी देगा, क्योंकि आप नेड कुक कर रहे होंगे तो थोड़ा ध्यान नेड पे रहेगा, आपका बंदा पे नहीं रहेगा, तो उसके चलते आप कई बार मर भी सकते हो। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि शॉर्ट रेंज में कभी भी कुक करके नेड मत करना, क्योंकि उतने में वो बंदा जब पता चल जाता है भाई कुक करते हैं तो नेड, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं पता चलता। अब ये बात आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ऐसा करता हूँ यार, जब भी कोई बंदा मेरे पे शॉर्ट रेंज में नेड कुक करके मारने लगता है तो मेरे को पता चल जाता है, वो सबको पता चल जाता है, तो मैं डायरेक्ट उस बंदे पे रस ही कर देता हूँ और काफ़ी आसानी से उस बंदे को मार भी देता हूँ। तो इसलिए मैं कभी भी शॉर्ट रेंज में खुद जो है वो नेड कुक करके नहीं मारता, क्योंकि मैं खुद जा के मार देता हूँ बंदों को, तो कोई दूसरा बंदा भी मेरे को मार सकता है ना, इसलिए मैं शॉर्ट रेंज में कभी भी नेड कुक करके नहीं मारता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे तो इसमें मेरे को 11 किल के साथ बुइया मिला था, जिसमें मेरे को 50 का ही प्लस देखने को मिला। तो फिर यही थे आज का वीडियो, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको दिल से धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।